आईपीएल 2021 में हाल फिलहाल में होने वाले सभी मुकाबले करो या मरो मुकाबले से लगभग कम नहीं है, और ऐसे ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले आज यानी कि सैटरडे को हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर 3:30 बजे शारजा के मैदान पर हमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स टीम आमने सामने देखने को मिलेंगे। तो वहीं शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम अबू धाबी के मैदान पर आमने सामने होंगे। तो ऐसे में दोस्तों इन दोनों मुकाबलों का महत्व तो आप लोग को पता ही है, और अगर नहीं पता है तो हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम की भी बात होगी, इतने सारे सेगमेंट से भैया सारी चीजों यहां पर बात होगी, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट यहां पर आता है डेफिनेटली इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। अब इंपॉर्टेंस ऑफ गेम को समझने के लिए थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पर हम चलते हैं और वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो भाई, बात यह कि केकेआर टीम को कल मिली पंजाब किंग्स के हाथों हार की वजह से पॉइंट्स टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है, और आपको बता दूं आज एक स्पेशल वीडियो आएगी पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी फेवरेट टीम क्वालिफाई कैसे कर सकती है, फिलहाल उस पर बात करेंगे। आज जो दो मुकाबले हैं, चार टीमें हैं, इन पर बात करेंगे अभी। तो पहले बात कर लेते हैं यहां पर एमआई। अब देखिए एमआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट मुकाबला है, अगर आप इसे जीत गए ना तो आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे रेस में, केकेआर से भी आगे निकल जाओगे, टॉप चार में जगह बना जाओगे और आपके अच्छे चांसेस हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर बाई चांस आप हारते हो ये मुकाबला, तो भाई ये पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, बहुत तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलेगी। और फिर दूसरा मुकाबला राजस्थान बनाम सीएसके, अगर राजस्थान टीम जीतती है तो वो भी अपने आप को जीवित रखेंगे इस प्लेऑफ्स की रेस में। और यार भाई एक सिचुएशन बस आप एज्यूम करिए, आप खुद समझ जाओगे कि कितना मजा आने वाला है यहाँ पर पॉइंट्स टेबल को देखकर। अगर हम ये मान लें कि एमआई टीम अपना मुकाबला डीसी से हार जाते हैं और राजस्थान अपना मुकाबला सीएसके से जीत जाते हैं, लेट जस्ट अज्यूम इट, तो यहाँ पर पॉइंट्स टेबल कैसी होगी देखिए। आप देखिएगा यहाँ पर केकेआर टीम 12 मुकाबले 5 जीत आपके पास है, पंजाब किंग्स 12 मुकाबले 5 जीत आपके पास होगी, एमआई टीम 12 मुकाबले 5 जीत आपके पास और राजस्थान रॉयल्स टीम 12 मुकाबले 5 जीत आपके पास। नेट रन रेट में डेफिनेटली केकेआर टीम को एडवांटेज होगा, तो यहाँ पर भैया चारों टीमों का कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात होगी। लेकिन एट एंड ऑफ द डे जाएगी तो कोई एक और एक ही टीम यहां पर, और केकेआर टीम के पास अभी नेट रन रेट का एडवांटेज है। हालांकि स्पेशल वीडियो में ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम और कहीं ना कहीं यहां पर हमारी पीपीटी यानी कि प्यारी पॉइंट्स टेबल को तो आपने समझ लिया ही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं पिच रिपोर्ट एंड टॉस फैक्टर के बारे में। तो पहला मुकाबला हमें शारजा के मैदान पर देखने को मिलेगा एमआई और डीसी के बीच। और यार शारजा में पहली बात तो मैं वेदर को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोपहर का मुकाबला है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी और गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला, इनफैक्ट बल्लेबाजों के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है भैया कि यहां पर जो है शारजा के पिच ना बड़ी बुरा बर्ताव कर रही है, गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद है और बहुत लो स्कोरिंग गेम देखने को मिल रहे हैं। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि चेस अभी भी शायद एक प्रेफरेबल ऑप्शन हो सकता है, हालांकि यहां पर आप कह ही नहीं सकते कि आप चेस करते हुए जीतोगे या फिर डिफेंड करते हुए। इसके बाद बात करें यहां पर अबू धाबी में, जब आरआर और सीएसके आमने सामने होंगे, अबू धाबी की जो पिच है थोड़ी सी स्लो है, मतलब पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा फास्ट था, पेसर्स को ज्यादा मदद थी, इस बार वैसा नहीं है। मैं कहूंगा ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो आप भैया अगर टॉस जीतिएगा ना तो चेस करिएगा, चेस करने जाएगी टीम तो यहां पर फायदे में रहेगी, यहां पर अपने दो अहम पॉइंट्स को सेव करें। और इसके बाद हम बात करें माई 11 सर्कल प्रेजेंट प्लेइंग 11 ऑफ द गेम के बारे में। तो क्या अपडेट आ रही है चारों मुकाबले, मतलब बेसिकली दोनों मुकाबले के लिए चारों टीमों के खेमों से, वन बाय वन करके बात करते हैं। पहला मुकाबला यानी कि एमआई बनाम दिल्ली कैपिटल्स, एमआई टीम से जो अपडेट है वो ये है कि हार्दिक पांड्या शायद अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है गेंदबाजी करने के लिए, मतलब गेंदबाजी करने के लिए बेसिकली, लेकिन फिर भी यहां पर बताया जा रहा है कि उनको एज अ प्योर बैट्समैन टीम खिलाएगी। जयंत यादव के खेलने के काफी अच्छे चांसेस हैं, और क्यों है वो आंकड़ा भी आगे चलकर आपको शेयर करूंगा, किसकी जगह वो खेल सकते हैं, क्या नेथन कुल्टर नाइल की जगह आप उन्हें खिलाओगे, एक जो है मतलब ऑप्शन है, विकल्प है, आप कंसीडर कर सकते हो। और इसके अलावा यहां पर चर्चा हो रही है कि क्या ईशान किशन को सूर्यकुमार यादव की जगह मौका दिया जा सकता है, क्योंकि देखो छोटे जो है डायमेंशंस है शारजा का ये मैदान है, और सबसे बड़ी बात यह कि सूर्यकुमार यादव की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो क्या यहां पर टीम मौका दे सकती है, देखने वाली बात है। और इसके अलावा तो मैं कोई यहां पर प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश या एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम से, तो यहां पर थोड़ी सी इंजरी की अपडेट आप लोग को देनी है। पृथ्वी शॉ थोड़े से इंजर्ड थे, आप लोग को पता है, मार्कस स्टोनिस शायद अभी भी फिट नहीं है, ऋषभ पंत ने हाल फिलहाल में बोला था कि पृथ्वी शॉ लगभग 80% फिट हो सकते हैं नेक्स्ट मुकाबले के लिए, लेकिन क्या आप 80% फिट शॉ को खिलाओगे और रिस्क लोगे क्योंकि मतलब उनके साथ इंजरी का खतरा और बढ़ जाए, मुझे नहीं लगता यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम रिस्क लेगी। तो यहीं पर मार्कस स्टोनिस को अभी फिट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो यहां पर जो है विकल्प यह कि आप स्टीव स्मिथ को खिला रहे थे, लेकिन क्या सैम बिलिंग्स को आप खिला सकते हो, मुझे लगता है सैम बिलिंग्स के साथ ओपन कराना ज्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए होगा, अवेलेबल है वो, आप खिला सकते। आगे बढ़े बात करें यहां पर दूसरे मुकाबले में यानी कि राजस्थान रॉयल्स बनाम सीएसके। अब देखिए राजस्थान रॉयल्स टीम वैसे तो हमारी बात सुनती नहीं है, सजेशन हम उनको काफी ज्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी सजेशन देना हमारा काम है, तो भैया हम एक बार फिर से देंगे। देखिए बात यह है ना कि सबसे पहले तो लियाम लिविंगस्टन की परफॉर्मेंस आपके लिए नहीं आ रही है, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे वाला उनका काम चल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला, डू और डाई मुकाबला, यहां से हार गए तो आपका कोई चांस यहां पर बचेगा नहीं। तो क्या इस मुकाबले में आप ग्लेन फिलिप्स को या फिर डेविड मिलर को मौका दोगे लियाम लिविंगस्टन की जगह, एक देखने वाली बात होगी, प्रॉस्पेक्ट होगा। वहीं पर दूसरी तरफ देखिए रियान पराग और राहुल तेवटिया का तो आपने फिक्स डिकोटा करके रखा हुआ है कि भैया ड्रॉप नहीं करेंगे चाहे वो जैसा परफॉर्म करें, लेकिन भैया हाथ जोड़कर यहां पर विनती कर सकता हूं कि अगर आपको मुकाबला जीतना है तो एटलीस्ट किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करिए और यहां पर एक प्रॉपर स्पिनर खिलाइए, प्रॉपर स्पिनर खिलाइए, कहते कहते हम थक जा रहे हैं,
श्रेयस गोपाल या फिर मयंक मार्कंडे को मौका दीजिए, या फिर इनफैक्ट अगर आप शिवम दुबे को भी खिलाते हो फिर भी मैं जस्टिफाइड मानूंगा, सही मानूंगा, कम से कम मौका तो दीजिए। और शिवम दुबे की परफॉर्मेंस ज्यादा ही बेहतर है रियान पराग और राहुल तेवतिया की तुलना में, तो यार मौका दो भाई तभी आप जीतोगे। एंड इसके अलावा यहां पर बहुत अपडेट है कि क्रिस मॉरिस की जगह आपको ओशेन थॉमस देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा हिंट दिया था कुमार संगकारा ने कि मॉरिस की परफॉर्मेंस नहीं आई है और हम थोड़े अलग प्रोस्पेक्ट को अब कंसीडर करेंगे। इसके बाद बात करें यहां पर सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम की, तो भैया आप तो विनिंग नोट पे हो, आपको चेंजेस करने की क्या ही जरूरत है, बस वही बात है कि आप डीजे ब्रावो और सैम करन में थोड़ा सा शफल पॉलिसी करते रहते हो तो वहां पर देखना रहेगा। और क्या जॉश हेजलवुड को रेस्ट करके आप सैम करन और डीजे ब्रावो दोनों को खिला सकते हो, मतलब थोड़ा सा आपको मतलब प्लेऑफ की तरफ जाना है तो रेस्ट वेस्ट भी कराना पड़ेगा प्लेयर्स को, वो भी एक देखने वाली बात हो सकती है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर माई इलेवन सर्कल प्रेजेंट थ्री स्मार्ट स्टैट्स ऑफ द गेम के बारे में, तो डेफिनेटली पहले यहां पर बात कर लेते हैं पहले मुकाबले के बारे में। पहले मुकाबले में चीजें क्या है देखिए, अगर आप बात करेंगे हेड टू हेड लास्ट पांच मुकाबलों की तो पांच में से चार यहां पर एमआई ने जीते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां पर चीजें लगभग बराबर है, हालांकि एमआई का पड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। वहीं पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैट है वो ये है कि रोहित शर्मा को दो बड़े यहां पर छक्के चाहिए पहले भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए जिन्होंने टी20 में 400 छक्के लगाए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट यहां पर भारतीय टीम के लिए हिटमैन के लिए हो सकती है। इसके बाद बात करें तीसरा इंपॉर्टेंट स्टैट, तो भाई वो ये कहता है कि मुंबई इंडियंस टीम की अगर आप बल्लेबाजी की बात करोगे तो सबसे खराब यहां पर स्टैट्स हैं उनके डेथ ओवर्स में, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें अपनी गंवाई हैं, उनकी जो मतलब रन बनाने की जो एवरेज है वो भी सबसे ज्यादा खराब है, तो कहीं ना कहीं उसमें यहां पर इंप्रोवाइजेशन किया जा सकता है और उनकी गेंदबाजी भी अच्छी नहीं रही है, तो बल्लेबाजी गेंदबाजी हर तरफ थोड़ा सा यहां पर इनको लताड़ पड़ी है ड्यूरिंग द डेथ ओवर। और इसके बाद हम बात करें यहां पर दूसरे मुकाबले के थ्री स्मार्ट स्टैट्स के बारे में, तो हेड टू हेड में सीएसके और आरआर डेफिनेटली आपको पता है सीएसके का पड़ा भारी रहेगा, यहां पर 15 मुकाबले ओवरऑल सीएसके ने जीते हैं, आरआर ने जीते हैं 9, और अगर आप लास्ट पांच मुकाबले उठाकर देखोगे तो वहां पर भी तीन मुकाबले सीएसके ने और दो ही राजस्थान जीतने में सफल रह पाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैट यह कहता है कि भाई साहब डीजे ब्रावो और रविंद्र सर जडेजा को बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है आरआर टीम के खिलाफ खेलने के लिए, दोनों ने एक दूसरे को मतलब मिला के दोनों के एक दूसरे के स्टैट्स लगभग 34 विकेट चटकाई है यहां पर आरआर के खिलाफ, तो बहुत पसंद करते हैं। और यहां पर इनफैक्ट बल्लेबाजी में भी डीजे ब्रावो के आंकड़े राजस्थान के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, तो उनकी तुड़ाई भी करते हैं और फिर उनके विकेट भी चटकाते हैं, दोनों तरफ से यहां पर वो डोमिनेट करते हैं। और इसके बाद बात करें यहां पर तीसरे इंपॉर्टेंट स्टैट के बारे में, तो यह है यहां पर माही के लिए और माही के यानी कि टॉस फैक्टर के लिए। देखिए भैया 11 मुकाबलों में 5 यहां पर टॉस एमएस धोनी ने जीता है और जब भी वो टॉस जीते हैं वो मुकाबला भी जीते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टैट था, इंटरेस्टिंग स्टैट था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। यार आपको एक बात बताता हूं कि कल का जब प्रीव्यू वीडियो मैंने किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टेलीग्राम पर मैं माई 11 सर्कल की फैंटेसी 11 आप लोगों से शेयर करूंगा, मैंने 11 शेयर की भी थी, उसको थोड़ा सा अपडेट किया था टॉस के बाद। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि केएल राहुल को मैंने कैप्टन बनाया था और केएल राहुल की नॉक आप लोगों ने देखी होगी, अच्छी खासी अर्निंग मेरी हो चुकी है भैया, तो यहां पर अभी भी अगर आप इंतजार कर रहे हो वेट कर रहे हो तो मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का, फटाफट से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, क्योंकि यहां पर आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक फर्स्ट डिपॉजिट पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी लिंक से मिलेगा। और तो और भैया लक फैक्टर की भी बात करें ना, तो आप लोगों को पता है कि लिंक पर जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार अपनी टीम को बेस्ट विशेस दोगे और ये मुकाबला आपको पता है डू और डाई है आपकी फेवरेट टीमों के लिए। और इसके बाद हम बात करें यहां पर स्ट्रेटजी ऑफ द गेम के बारे में, पहले मुकाबले की स्ट्रेटजी। अब जैसा कि मैंने एमआई टीम के प्लेइंग 11 में आप लोगों को बताया था कि क्या आप यहां पर जयंत यादव को खिलाओगे, उसका रीजन अब आप लोगों को बता दूं। देखिए भाई साहब जयंत यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं, 3 सीजन से यहां पर एमआई टीम के लिए उन्होंने 7 मुकाबले खेले और 7 में से 4 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले हैं, तो भैया जयंत तो इंतजार करते हैं कि डीसी के खिलाफ मुकाबला होगा ना तो प्लेइंग 11 में मुझे मौका मिलेगा। अब जी हां, क्योंकि उसका कारण क्या है, उसका कारण यह कि बड़े सारे लेफ्ट हैंडर्स उस टीम में है और इनके आंकड़े बड़े बेहतरीन है, ऋषभ पंत के भी खिलाफ काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है जयंत यादव खेल सकते हैं आंकड़ों के मुताबिक, तो बिल्कुल खेल सकते हैं। और उसके बाद बात करूं यहां पर दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में, तो वो है अश्विन का। आर अश्विन एमआई ओपनर्स के खिलाफ बड़े खतरनाक साबित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में आपको अश्विन अपनी ऑफ स्पिन करते हुए नजर आ जाए तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि उनके आंकड़े बड़े अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट स्टैट को लेकर, तो वो ये है कि मोइन अली लुइस के खिलाफ और यशस्वी जायसवाल के खिलाफ काफी अच्छे आंकड़े रखते हैं, न्यू बॉल के साथ वो गेंद को थोड़ा सा दूर ले जाएंगे बैट्समैन से और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो सकती है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट। तो अगर आपको यहां पर मोइन अली भी शुरुआत में थोड़ी सी फिरकी करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ज्यादा सीएसके ने उनसे गेंदबाजी अब तक नहीं कराई है, लेकिन आरआर के खिलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पर शुरुआत में ही कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ध्यान में रखिएगा और फैंटेसी 11 बनाते समय इन सभी चीजों का थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस्तेमाल करिएगा। और फिर हम बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेटजी के बारे में, तो जैसा कि मैंने आरआर की प्लेइंग 11 में बताया था ओशेन थॉमस के बारे में। जी हां दोस्तों, ओशेन थॉमस यहां पर आपके लिए पेस लाएंगे, स्पेशली सीएसके के अगेंस्ट सुरेश रैना है, मोइन अली है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं यहां बाउंसर से बेसिकली, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओशेन थॉमस के पास पेस है, मॉरिस की परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है और मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स टीम ऐसा करती हुई नजर आएगी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट विन प्रेडिक्शन ऑफ द गेम्स के बारे में। अब डेफिनेटली हम डायरेक्ट विन प्रेडिक्शन की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अब देखिए पहले मुकाबले की विन प्रेडिक्शन पर ना मैं थोड़ा सा आपको इक्वेशन बताता हूं, दिखाता हूं कि कितना अमेजिंग विन प्रेडिक्शन है, थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। अब देखिए यहां पर एमआई टीम के फैंस क्या चाहेंगे कि एमआई टीम जीते, ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैंस चाहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स टीम जीते, आरसीबी के
चांस क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि यहाँ से MI टीम जीते, क्योंकि अगर दिल्ली कैपिटल्स टीम हारेगी तो उनके चांसेस बनेंगे टॉप टू में जो है अपनी जगह बनाने के लिए। अब यहाँ पर पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और KKR टीम के फैंस क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स टीम जीते, क्योंकि जितना MI टीम नीचे आएगी उतना उन सभी टीमों को एडवांटेज मिलेगा आगे चढ़ने के लिए। तो आप समझ जाओ कि भैया कितनी चीजें स्प्लिट है, कितने यहाँ पर जो है फैंस स्प्लिट होने वाले हैं इस मुकाबले में। तो हो सकता है कि यहाँ से MI टीम ये मुकाबला जीत जाए, ये हमारी विन प्रेडिक्शन। आपकी क्या है फॉर श्योर कमेंट में शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सुनना चाहता हूँ सभी टीमों के फैंस के मन में क्या चल रहा है, किसको वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स यहाँ पर CSK के आंकड़े ज्यादा बेहतर है, तो मैं CSK टीम को ही प्रेफर करूंगा मुकाबला जीतने के लिए। ऑल्दो अगर यहाँ पर RR टीम CSK को अपसेट करती हुई नजर आ जाए तो यहाँ पर सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि डू और डाई मुकाबला है, तो कुछ भी हो सकता है। सारी टीमें अपना जो है फुल एफर्ट देंगी, प्लेइंग 11 पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, RR टीम के प्लेइंग 11 पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर ये फाइनली थोड़ा सा अपनी प्लेइंग 11 चेंज करते हैं तो इनकी तकदीर भी बदल सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड करिए। देखिए मैंने बार बार बताया कि इस बार कोई चूक होनी नहीं चाहिए, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।